बीएसएनएल के उपभोक्ता कंपनी की सेवाओं से कितने संतुष्ट है, इस बात का पता बुधवार को धर्मशाला में आयोजित एक कार्यशाला में हुआ, जब कांगड़ा व चंबा के जिला भर से पहुंचे उपभोक्ताओं ने कंपनी के पदाधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं का पिटारा खोला। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों से बीएसएनएल सेवाओं के विषय में प्रतिक्रिया लेना था और बीएसएनएल सेवाओं के प्रति ग्राहकों को जागरूक करना था। बीएसएनएल के कांगड़ा चंबा महाप्रबंधक सुनील कुमार ने ग्राहकों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ग्राहकों की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यशाला में बीएसएनएल कांगड़ा व चंबा सर्कल के महाप्रबंधक सुनील कुमार उपस्थित रहे। हमने ये उपभोक्ता जागरूक कार्यशाला की है, इसमें एज ए सर्विस प्रोवाइडर हर उनकी एक जिम्मेदारी है कि अपना उपभोक्ता जो है उसको जागरूक करें और उसको बताएं कि उनके हक क्या है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था बार के माध्यम से, उसमें भी हमें बहुत सारे कॉल्स आए थे और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी, तो हमने सभी प्रॉब्लम्स जितनी भी थी कस्टमर्स की उसका हम उसका निवारण किया और कई लोगों ने हमें ये बताया और फोन किया। एक मुझे लेटर भी आया कि आपके आपने हमारा शिकायत भी वो दूर कर दी है, इसके लिए आपने धन्यवाद। तो ऐसे जो आज भी हमें मिले हैं उन शिकायतों का निवारण जरूर करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ जो पूरा नेटवर्क, जैसे मैंने बताया कि उसको अपग्रेड करेंगे, डीपी पॉइंट्स हैं उनको ठीक करेंगे, केबल्स को ठीक करना है हमें। हम इन्हीं कस्टमर्स की प्रॉब्लम नहीं, जितने भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम है हमारे साथ उनको अच्छी सेवा मिले उसके लिए हम कार्य। उपभोक्ताओं ने अनेकों समस्याओं के बारे में बीएसएनएल पदाधिकारियों को अवगत करवाया और आग्रह किया कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाए। बुधवार को आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों से बीएसएनएल सेवाओं के विषय में प्रतिक्रिया लेना था और बीएसएनएल सेवाओं के प्रति ग्राहकों को जागरूक करना था। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट।